सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरी एक वीडियो पे 4 लाख व्यू कर दिए हैं। आप लोगों ने जितना उस वीडियो को प्यार दिया है, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की न्यूज़ लेकर आया हूँ। DJI ने अपने ड्रोन्स की 500 मीटर्स की हाइट को अनलॉक कर दिया है। तो जिनके पास भी DJI मिनी 3 प्रो या मिनी 4 प्रो ड्रोन्स थे, उन सभी की हाइट को 500 मीटर्स एल्टीट्यूड अनलॉक हो चुका है। मैं अभी आपको लाइव डेमो भी दूंगा कि 500 मीटर तक जाता है या नहीं जाता है, और उसका प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप अपने ड्रोन को कैसे 500 मीटर के लिए अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी बिना देर किए हुए सबसे पहले इस ड्रोन को अपने रिमोट के साथ पेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको 500 मीटर्स को अनलॉक करना है और कैसे इसको 500 मीटर तक हम ले जा सकते हैं। तो गाइस, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रोन को पेयर कर लेना है और यहाँ पर आप जाएंगे प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। इसकी सेटिंग्स में जाने पर आपको यहाँ पर दिखेगा फर्मवेयर अपडेट, तो यहाँ पर आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, अभी आप यहां पर सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, DJI फ्लाई वर्जन 1.13.1। तो गाइज, ये अभी इसका लेटेस्ट वर्जन आया है। आप जैसे ही इस वर्ज़न को अपडेट कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, ये वाला वर्ज़न जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपका यहां पर देखिएगा जो इसकी ड्रोन का एल्टीट्यूड है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैक्स एल्टीट्यूड 500 मीटर्स हो चुका है। तो ये जो पहले था ये 120 मीटर पर यहाँ पर ब्लॉक होता था, इसके आगे आप नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन अभी ये 500 मीटर्स तक जाता है। तो जब भी आप इसको 500 मीटर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग देगा। तो गाइस, अभी आप देखते हैं यहाँ पर आप इसको आराम से 500 मीटर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ये 500 मीटर्स अनलॉक होगा, और अभी मैं आपको इसका लाइव डेमो देता हूं, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हैं, तो अभी मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा। तो अब आइए ड्रोन को अपन टेक ऑफ कर लेते हैं और आपको मैं इसकी सारी जानकारी बता देता हूँ। तो गाइज देखो, ड्रोन मैंने पेयर कर लिया है रिमोट के साथ, अभी मैं इसको टेक ऑफ करता हूँ। तो ड्रोन टेक ऑफ हो चुका है, अभी मैं इसका सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूं। तो गाइस देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डर भी मैंने ऑन कर लिया है। तो अभी अपन चेक करेंगे इसका 500 मीटर्स का एल्टीट्यूड। तो अभी इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये ड्रोन 120 मीटर पर पहुँच जाए, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ये ड्रोन उड़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार ये 120 मीटर पर पहुंच जाए तो मैं आपको उसकी वार्निंग भी आएगी, तो मैं वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, जो 120 मीटर तक जो फ्लाई जोन एरिया है उसमें आप अपना ड्रोन उड़ा सकते हो, लेकिन 120 मीटर से ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। तो वो आपको DGCA के वेबसाइट से आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, अदरवाइज़ आप उस एयर स्पेस पे नहीं उड़ा सकते हो। अभी देखो, ड्रोन 120 मीटर से ज़्यादा चला गया है और यहाँ पर वार्निंग आ गई है, फ्लाइट एल्टीट्यूड एक्सीड्स 120 मीटर, एयरक्राफ्ट मे बी इन वायलेशन ऑफ लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, चेक एंड मेक श्योर यू हैव ऑब्टेंड प्रॉपर ऑथराइजेशन टू फ्लाई इन एयर स्पेस। यानी कि 120 मीटर से ऊपर का जो एयर स्पेस है वहाँ पर आप अपने पर्सनल ड्रोन्स को फ्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास उसका परमिशन नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली एयरप्लेन्स के लिए एयर स्पेस जो रिजर्व एरिया है, तो वहाँ पर आप अपना ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो गाइज, 120 मीटर से ऊपर आप जब फ्लाई करते हैं
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, इसीलिए आप पहले परमिशन लें, उसके बाद ही आप 120 मीटर से ऊपर ड्रोन उड़ाएं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा ड्रोन 140 मीटर पर पहुंच गया है। मैं इसको एक बार पूरा 500 मीटर तक ले जाके आपको दिखा देता हूं, चेक करा दूंगा कि ये 150 मीटर अनलॉक हो चुका है। तो अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ ताकि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि ये जल्दी ऊपर जाएगा और जल्दी ही नीचे आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं देखते ही देखते 220 मीटर से भी ज़्यादा ड्रोन ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं 250 मीटर पहुंच गया है ड्रोन ऑलरेडी। तो अभी आप हमारा शहर देख सकते हैं कि कितना ही छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप देखें स्क्रीन पर ये वार्निंग अभी नहीं जा रहा है, जो कि जब तक आपका ड्रोन 120 मीटर से हाई एल्टीट्यूड पर रहेगा ये बार बार वार्निंग स्क्रीन पर रहेगा, पॉपअप दिखता ही रहेगा जब तक ड्रोन नीचे नहीं आ जाएगा 120 मीटर के बाद। तो गाइस ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज पर्पज से बना रहा हूँ कि आपका ड्रोन 500 मीटर तक जा सकता है, लेकिन आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना ड्रोन को 500 मीटर तक ना उड़ाएं। मैं तो कहूँगा 120 मीटर से ऊपर लेकर ही ना जाएं, क्योंकि ये काफ़ी रिस्क हो सकता है इसके अंदर। और अभी आप देख सकते हैं कि ड्रोन मेरा ऑलमोस्ट 475 किलोमीटर पहुँच गया, 490, और ये इसका वार्निंग आ गया 500 मीटर एल्टीट्यूड रीच। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ कि 500 मीटर व्यू से कैसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसमान में ड्रोन गायब हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा, और आप देख रहे हैं कैसा व्यू आ रहा है 500 मीटर से। या पहाड़ देख सकते हैं, देखो पहाड़ भी कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं इसके आगे, इतना ऊपर चला गया है। तो ये देखिए शहर ऊपर से कैसे दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसको एक बार नीचे टेक ऑफ कर लेता हूँ। तो बेसिकली गाइज आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि हमारे जो ड्रोन्स हैं DJI के, उनके 500 मीटर की हाइट अनलॉक हो चुकी है, क्योंकि पहले आपको थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती थी लाइक रेनबो, या कुछ लोग इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके थर्ड पार्टी ऐप से कुछ हैकिंग सिस्टम करके इसको 500 मीटर्स की हाइट अनलॉक करते थे। तो अभी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है तो आप इसको उड़ाएं, क्योंकि मैं बहुत एक रूरल एरिया में हूं, और रूरल एरिया में इतना ज़्यादा जो एयर स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ग्रीन जोन एरिया है, इस वजह से मैं इसको फ्लाई कर रहा हूँ। तो ख़ास तौर से जो लोग सिटी में हैं तो वो तो इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है इतने हाई एल्टीट्यूड पर ड्रोन को फ्लाई करना। तो अभी आप देख सकते हैं ड्रोन कितनी जल्दी नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 275 मीटर रह गया है इसका एल्टीट्यूड। तो अभी आप देख रहे हैं इसको 200 मीटर होने वाला है। तो ड्रोन अभी लाइक मैं आंखों से तो देख सकता हूँ, विजिबल है ड्रोन, तो लाइक कुछ ही सेकंड्स में नीचे आ जाएगा। तो अभी एक बार नीचे आ जाए, पर अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि जैसे 120 मीटर इसका अभी तक वार्निंग आ रहा है, जैसे ही ये 120 मीटर से नीचे जाएगा तो ये वार्निंग भी चला जाएगा। अभी देखिए आने ही वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही 120 मीटर हुआ इसका वार्निंग चला गया, सिर्फ लिखा आ रहा है मैक्स एल्टीट्यूड रीच्ड। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि प्लीज़ आप इतने हाई एल्टीट्यूड पर ड्रोन को ना फ्लाई करें, क्योंकि आपको जो भी वीडियो या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आपको इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो ड्रोन की आवाज़ भी आने लग गई है, ड्रोन आ गया है ऑलमोस्ट नीचे, सिर्फ 20 मीटर रह गया है। तो देखो गाइस ड्रोन आ गया एकदम से नीचे। तो अभी इसको मैं अपनी पुराने तरीके से कर दिया है मैंने बंद। तो गाइस देखो ड्रोन आ गया है नीचे 500 मीटर तक, मैं आपको आपके सामने ले गया था इसको, और इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। नया अपडेट आ गया है DJI का, वो मैंने आपको अपडेट बता दिया आपको किस तरह से करना है। उस अपडेट के बाद इसका 500 का मीटर्स का एल्टीट्यूड का जो लॉक था पहले वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसको 120 मीटर से ऊपर फ्लाई ना करें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो गाइज़ प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।